तो मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप SSC का कोई भी फॉर्म डाल रहे हैं, ख़ास तौर से SSC GD का, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो दोस्तों ने जो है कि मैसेज किया YouTube पे कि सर ये सब एरर आ रही है, ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये साइट बता दे रहा हूँ कि आप सीधे जाइए ssc.nic.in पे। आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे वेबसाइट आ जाएगा, डायरेक्टली खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको करना क्या है, नीचे जब आएंगे तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि सर रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है, यूजर नेम खो गया है। तो उसका भी सारा मैं जो है सोल्यूशन बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, सर पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, पासवर्ड रीसेट कैसे करूँ। तो यहाँ सिंपली सर फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपना मोबाइल नंबर भी भूल गए हैं तो कोई दिक्कत, मोबाइल नंबर भूल गए हैं, खो गया, मतलब कोई भी मोबाइल से एनी प्रॉब्लम हो गया, तो दो में से आपको एक चीज़ अवश्य चाहिए, या तो मोबाइल हो या तो ईमेल आईडी हो। तो यदि आपका मोबाइल खो गया तो आप ईमेल आईडी से भी जो है कि अपना फॉरगेट को पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको कि पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको पासवर्ड कैसे फॉरगेट करना है। SSC का कोई भी जो है कि प्रॉब्लम हो, अब फॉरगेट SSC का हर फॉर्म का यही जो है कि है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेट। स्टेट में आप जो भी स्टेट से हो, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर रहा हूँ। ये परमानेंट स्टेट, मतलब आप जहाँ परमानेंट रह रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है देखिए, या एंड, मतलब परमानेंट स्टेट जो आप स्टेट में हैं उसके बाद दो में से एक, एक तो एक आप एक के ईमेल आईडी से हो सकती है फॉरगेट पासवर्ड, दूसरा आपके मोबाइल नंबर से हो सकता है। तो दोस्तों तो दो में से तो एक चीज़ आपके पास अनिवार्य से होनी चाहिए, या तो ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर। अब दोस्तों जो है कुछ बंदे कहेंगे कि सर मेरे पास दोनों नहीं है, दोनों खो गया है, जैसे कि ईमेल आईडी का पासवर्ड मैं भूल गया और पासवर्ड ईमेल आईडी को रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, मोबाइल नंबर मेरा खो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई। तो मैं उसके लिए भी एक सोल्यूशन बता देता हूँ दोस्तों। उसके लिए सोल्यूशन ये है कि फिर आपको SSC के इलाहाबाद में आके जो है कि वहाँ आयोग से मिलना पड़ेगा, वहाँ पे जो प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं उत्तर प्रदेश चुनने के बाद मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों ये जैसे देख लिया मैंने, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, मैं ईमेल भी डाल सकता हूँ आपको। मैं बता दूँ कि आपको मैं बता दूँ दोस्तों जो है कि दोनों पे OTP जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे भी, आपके ईमेल पे भी। तो उसमें से आप दो ऑप्शन आएगा, तो आप किसी पे भी जो है कि उसमें कर सकते हैं, OTP दे सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें मैसेज जो दिखा रहा है, जो मैसेज दिखा रहा है कि NOTP हैज ऑलरेडी बीन जनरेट, प्लीज़ यूज़ द सेम OTP 10 मिनट। तो मैंने अभी OTP एक बार लिया हुआ था इसलिए जनरेट दिखा रहा था, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप में नहीं ऐसा शो करेगा। तो ये मैं जो है कि अपना OTP यहाँ पे डाल देता हूँ, OTP। मैं OTP मैं एक बार देख के डाल देता हूँ। OTP था मेरा 1586। तो मैंने अपना OTP डाल दिया और OTP डालने के बाद ये कैप्चर कोड, जैसे ही सबमिट करूँगा यहाँ पे देखिए कि न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, न्यू पासवर्ड बनाने के लिए। तो आप न्यू पासवर्ड बना सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं करना है इसलिए मैं नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं क्लोज कर देता हूँ दोस्तों जो है कि। और रही बात यूजर नेम की, तो यहाँ पे आप जाएंगे, जब न्यू आईडी पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप अपना पूरा डिटेल्स भर के आगे सबमिट करेंगे तो वो आपका यूजर नेम आपको शो कर देगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।